Hello students, today I am going to teach class 8 chapter 1st of Honeydew, the best Christmas present in the world. यहाँ पर राइटर के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक बार ब्रिट पॉट की जंक शॉप का मतलब होता है कबाड़ी की दुकान में, वहाँ से एक रोल टॉप डेस्क खरीदने गया. वो ओक की लकड़ी की बनी हुई थी, उसे एक अच्छी वाली चाहिए थी लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, इसलिए वो उन्हें नहीं खरीद पाया. और ये जो डेक्स उसने ख़रीदी थी बहुत ही बैड कंडीशन में थी और उसका जो टॉप था वो कई जगह से कटा फटा था. एक लेग है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय था, स्कॉच मार्क्स हैं वो सब तरफ उसके लगे हुए थे, लेकिन ये काफ़ी कम कीमत में था इसलिए उसने सोचा कि वो उसे घर ले जाकर और इसे रख लेगा अपने स्टोर में. उसने उस मैन को पे किया और फिर वापस अपने घर पर उसे ले आया. उसका जो टॉप था उसने उसको वहाँ से अच्छे से हटा दिया और सारे ड्रॉअर्स बाहर निकाल लिए. ठीक है, ड्रॉअर्स बाहर निकालने की जब वो निकाल रहा था तो सारे ड्रॉअर्स उसके निकल चुके थे, लेकिन एक ड्रॉअर है, लास्ट वाला जो ड्रॉअर है वो बहुत अच्छे से मतलब उसमें फिक्स था. तो उसने काफ़ी फोर्स लगाकर उस ड्रॉअर को निकाला, और जब उस ड्रॉअर को निकाला तो उस ड्रॉअर में उसने देखा कि उसमें एक टिन बॉक्स है. टिन बॉक्स को वो खोलना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसे लगता था कि ये रॉन्ग है, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे मतलब टिन बॉक्स खोलने पर मजबूर कर दिया. उसमें जिम का लास्ट लेटर था, जिम मैकफर्सन का जो कैप्टन थे ब्रिटिश आर्मी के, उनका लेटर था, और ये रिसीव किया था January 25, 1915 को. ठीक है, उसके बाद में ये बताते हैं कि कैसे उसने वो लेटर पढ़ा, और पढ़ने के बाद में उसे समझ में आया कि ये किसका लेटर है और किसको लिखा गया है. ये जिम मैकफर्सन द्वारा अपनी वाइफ कोनी को लिखा गया था, और ये बहुत ही बेटर क्रिसमस मॉर्निंग के बारे में बता रहे हैं. ये बता रहे हैं कि जब ये वॉर के टाइम पर जब ये बॉर्डर पे थे तब ये अपने ट्रेंचेस में खड़े थे. ट्रेंचेस होते हैं कि आपने देखा होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं वो ग्राउंड में काफ़ी गहरे गड्ढे खोद के रखते हैं ताकि वो उनमें छिप के बैठ सके एनिमी से. तो वहाँ पर वो ट्रेंचेस में बैठे हुए थे, तभी सामने से देखा उन्होंने कि फ्रिट्ज हैं, ये जर्मन सोल्जर्स के नेम यूज़ किया गया है. और वहाँ सामने उन्होंने देखा कि फ्रिट्ज में से एक आदमी है, वो वाइट कलर का फ्लैग लहरा रहा है और शाउटिंग भी कर रहा है हैप्पी